everyone, welcome or welcome back to my channel again. This is me, Yana Ritali here, and in this video I'm going to be touring you around Gandhi Ashram. This is one of the residence of Mahatma Gandhi, जहाँ पर वो अपनी wife के साथ रहते थे. And यह मैं Mahatma Gandhi के बारे में तो ज़्यादा explain नहीं करूँगी क्योंकि उसके बारे में तो हर कोई जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं. So इस video में हम बस उसके आश्रम को visit करेंगे. So yeah, I'll catch you there. Stay connected with me. सो फाइनली अभी मैं घर से निकल रही हूँ, ऑटो आ गए हैं एंड यहाँ अभी मैं यहाँ से निकलूँगी साबरमती के लिए. दिवाली की मौसम था तो ट्रैफिक जाम भी कम थे और रास्ते बहुत ही साफ थे, तो इस बहाने हम जल्दी पहुँच भी जाएंगे. सो फाइनली वी रीच. यहाँ से एंट्री होते हैं और अगर आपको यहाँ पर विजिट करना हो तो कोई एंट्री फी नहीं लेते, आप आराम से घूम सकते हो, देख सकते हो. और अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो गांधी जी के तीन बंदर की पिक्चर यहाँ पर दिख जाएगा आपको. ये रहा गांधी जी का तीन बंदर. बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो ना. तो अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगी और ये जो दिख रहे हैं, ये जो गांधी जी के म्यूजियम है, यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या रखे हैं उसके और क्या क्या देखने को मिलते हैं. तो चलो. प्लीज बिगिन फ्रॉम हियर. गांधी जी और उसकी वाइफ. आश्रम के अंदर आते ही आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा जो गांधी जी ने बोले थे, जो उसने कहे थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख के रखा हुआ है. और ये देखिए नॉन वायलेंट और डिवाइव, ये भी गांधी जी ने जो कहा था वो सब चीज़ें अच्छे से लिख के यहाँ पर रखा हुआ है. और ये उस समय की तस्वीर है जब गांधी जी ने दांडी नमक स्थान पर पहुंचकर अंग्रेजी द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ा था. आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पिक्चर्स बना के रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो. और यहाँ पर अंदर आओगे तो आप ऐसे आपको जैसे कि आप ये दिख रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा. इंटीरियर जो है बहुत अच्छा से बना हुआ है. ये चक्का बोलते साइड से, इससे कपड़े बना देते हैं. और इस तस्वीर में आप देख सकते हो गांधी जी को अपने अनुयायियों के साथ चलते हुए. ग्राफी आप देख सकते हो, ये गांधी जी जब वो 7 इयर्स के थे और ये थोड़े बड़े हो गए थे इसमें, वो 14 इयर्स के थे. और राजकोट 1883. और ये गांधी जी की मार्क्स सीट थी, मार्क्स भी उसने बहुत अच्छे अच्छे लाए. इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना चाहिए पर मैं दिखा नहीं पा रही हूँ. तो इसलिए आप कभी आते हो तो आप आराम से घूम के देख लेना. लोग बहुत है और बहुत ज़्यादा नॉइस है इसलिए वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहे. This is the picture of during 21 days fast at Pona 1933. यहाँ पर this is the last moment of Kasturba. Kasturba last moment अगर खान प्लेस Pona 1944. और ये गांधी जी और उसकी वाइफ Kasturba दोनों की तस्वीर है. यहाँ पर मैंने भी फोटो खिंचवा ली है. वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बट यह सबको घर पर के बता नहीं सकती. तो अभी आप कभी दिन आप विजिट करें तो अच्छे से देख लेना. तो पास सही है, करते देख ऐसे कोई बनाता है, छोड़ दे देख. ये देखिए है ना, ये बनता था, इससे कपड़े बनते हैं. इससे हमारे वहाँ पर भी ना कपड़े बनते हैं इससे. ये तो रूई से ऐसा बन के वो हुआ है ना, कपड़े बनाना.
तो बहुत भरे, यहाँ पर भरे वाला भी है। सी क्या लिखा है इधर में, अवॉइड टचिंग क्रिटिस पिक्चर और ओके सॉरी टच गलती से हो गई। यहाँ पर गांधी जी का सारा चीज़ें है जो इक्विपमेंट जहाँ से कपड़े वो बनाते थे। किस चीज़ से बनता है? अच्छा हाँ ओके यहाँ से ऐसा बन गया। अच्छा ये तो हमारे वहाँ पर भी मिले, अच्छा यहाँ से कलरिंग हो गया ना यहाँ पर, इसकी गांधी जी की फोटो भी रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर पूरे अलग अलग रंग लगा देता है ना। और ये आप देख सकते हो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से गांधी जी कपड़े बनाया करते थे। एंड एज यू गाइस कैन सी ये छोटा सा, ये तो हमारे अरुणाचल यहाँ पर भी मिलते हैं, इवन मेरे नानी भी यूज़ करते हैं, हम लोग पेकोंग बोलते हैं इसे शायद। एंड एज यू गाइस कैन सी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखा हुआ है यहाँ पर, अब आओगे तो आपको अपने आँखों से देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बाहर देख सकते हो इतनी अच्छी ग्रीनरी, वाओ देख सकते हो बड़े बड़े पेड़, उसमें बहुत सारे चिड़िया और चिड़िया इतनी आवाज़ दे रही है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वैसे तो मैंने पूरी घूम ली देख ली, अभी दो बाकी है उसकी टेम्पल और वो जहाँ से पानी उतारते हैं कोआ। एंड या वेट लेट मी शो यू वन थिंग, ये जब मेरे पीछे दिख रहे हैं ना पानी, ये साबरमती रिवर है देख सकते हो, इतना अच्छा है, इतना क्लीन है, बहुत अच्छे से साफ सफाई से रखा हुआ है, सो अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देते हैं, हमारे वहाँ पर तो कैसे खा जाते हैं तो कुछ आवाज़ सुनते भी नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून, चिड़ियों की आवाज़ आराम से, और वाओ व्यू सो सो गुड। एंड वो मेरे पीछे में गांधी जी का मंदिर है, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने शू पहन रखी है और अभी मैं इसे खोल नहीं सकती, खोल सकती है पर मैं खोलना नहीं चाहती, सो मैं नहीं जाऊंगी अंदर। बाकी एंड ये गांधी जी का कुआं था पर अभी बंद कर दिया है इसे। ये तो नहीं, हमारे वहाँ पर ये मिलता है ना, यहाँ से ये पट्टे से ना घर बनता है हमारा, ठीक है। इसका नाम क्या है ढंग से बोलो, ताहेक बोलो, इधर देखो। गांधी जी के आश्रम को विजिट करते करते मैं बहुत थक गई थी, फिर बाहर आकर देखा तो एक अंकल था जो कि नारियल बेच रहे थे, फिर मैंने भी बाहर से एक लिया और पी लिया। सो मैंने फाइनली गांधी जी के आश्रम विजिट कर ली, अभी मैं वापस जाऊंगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।